जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल असीस और मेरे दोस्त डॉक्टर फहद जी। डॉक्टर साहब, आज जो हमारी रिएक्शन वीडियोस है वो है मिर्जापुर सीजन 3 के ऊपर, और इसका ऑफिशियल टीजर आया है और इसके अंदर है पंकज त्रिपाठी, अली फजल है इसके अंदर, शबीता त्रिपाठी और रसिका दुगल है। तो चलिए स्टार्ट करें फिर। 3, 2, 1 स्टार्ट। निर्दोष नागरिकों की जान माल की जो हानि हुई है उसके लिए हमारा हृदय कोरोना से भर आया है। कोरोना नहीं मामा जी, करुणा, करुणा। बैक बोल सही के। चलो रे, मैक्सिको निकलना है। अबे मिर्जापुर बे, यही मौका है लोगों को बताने का, कालीन भैया गॉन और गुड्डू पंडित ऑन। मिर्जापुर में पावर हमेशा गद्दी की रही और मुकाबला दावेदारों का। खेल आज भी भैया बस मोहरे बदल गए। लोगों के बीच कालीन भैया के प्रति सिंपैथी जनरेट करनी है बस। महमूद प्रदेश की शुरुआत गुड्डू के अंत से होगी। ये समय वायलेंस का नहीं, कंसोलिडेशन का है। वायलेंस हमारा यूएसपी है। पूर्वांचल में जो गर्मी का हाल है, एक उंगली ट्रिगर पर रखनी पड़ती है। दूसरी उंगली कहाँ रहती है? दूसरी उंगली धोने को जाने के लिए रखी है। गुड्डू है तो गैंगस्टर ही। हमारा तो गुनाह यही है कि हम गुड्डू पंडित के बाप हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना हमारी। गुड्डू पंडित को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये मैसेज पूरे पूर्वांचल में गूंजना चाहिए। हमको तुम चाहिए और तुमको गुड्डू, और गुड्डू को पूर्वांचल। अब किसी को कुछ जो नहीं मिलेगा, बूझ है। ये परंपरा बाऊ जी ने और हमने बनाई थी। हम वो करवाएंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जी तो डॉक्टर साहब, ये जंगल की बात हो रही है तो 5 जुलाई को ये आ रही है। इसके अंदर बहुत सारे जंगल फिर आपस में मिल जाते हैं। मिर्जापुर 2 में इस तरह के बहुत सारे जंगल थे जिसमें बाबा जी थे, उन्होंने अपने जंगल बना दिए। जंगल में मंगल उन्होंने कर दिया था। तो ये आपको कैसा लगा? अच्छा, ये जिन लोगों को ना वायलेंस पसंद है और जो एक्शन मूवीज के दिलदादा हैं, उनके लिए ये एक नेमत है। मिर्जापुर सीजन में काफी कुछ ऐसा जो है वो देखने को मिलता है। जो लास्ट इनके सीजन थे, सीजन 1 और 2, कंपैरेटिवली सीजन 2 जो था वो ज्यादा वायलेंस थी उसमें, और उसमें जंगल मंगल भी कुछ ज्यादा थी। सीजन 3 में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ, उसमें भी उन्होंने थोड़े से शॉट दिखा दिए आपको कि ये चीजें इसमें आएंगी। तो जो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी इस तरह की चीजें देखना चाहते हैं उनके लिए ये नेमत है। तो हमारे नासरीन, आपको ये कैसा लगा आपने हमें जरूर कमेंट्स में बताना है। इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह।